गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हैव अ ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो और आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं डेट एडवाइजरी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह की शुरुआत हुई थी मेरी 4 बजे और अभी बज रहा है 6:15। अभी मैंने पूजा की है और जब मैं छत पे गई थी तुलसी जी की पूजा करने के लिए, तब मैंने ये वीडियो शूट किया था। अब चलते हैं रूम में स्टडी करने के लिए। सुबह का जो स्लॉट होता है एज यूजुअल हिस्ट्री का, लेकिन आज जो है वो मैंने नोट्स नहीं पढ़े, आज मैं कर रही हूँ एमसीक्यूज। और ये जो मैंने अभी आपको बुक दिखाई थी, ये जब मैंने आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था और जब मैंने प्रिपरेशन करना शुरू की थी उस टाइम में बुक खरीदी थी, लेकिन ये बुक खरीदने के बाद जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, एक जगह सिलेबस चेंज होता तो क्या हुआ, लेकिन जो बुक में जो मैटर दिया होता है वो कहीं ना कहीं तो काम आता ही है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें जो एमसीक्यूज है मैं वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसके जो एमसीक्यूज है ना वो वाकई में बहुत अच्छे हैं और एक स्टैंडर्ड लेवल वाले हैं। बस मैं वही कर रही थी। और आप भी जो भी टॉपिक पढ़ो ना, जिस किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यूज आप जरूर से करें, चाहे तो ऑनलाइन करें, चाहे से आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं आप उसमें से कर सकते हैं, लेकिन आप करें जरूर। उससे क्या होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है अपने अंदर कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद भी हो रहा है और इतने मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ईमानदारी से करिए, ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए, नहीं, अपने आप के लिए करिए और देखिए कहाँ आप गलत हो रहे हो। अगर गलत हो रहे हो तो उसी टाइम उस चीज को आप वहीं पे ही शॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर वहां नहीं करोगे ना आप, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और अभी मेरा सेकंड स्लॉट चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और देखिए, जब हम नोट्स पढ़ते हैं ना तो हमें वाकई में अच्छा लगता है कि हम सिलेक्टेड मैटर पढ़ रहे हैं और हमारे पास अभी टाइम कम है, तो जितना हो सके ना तो नोट्स से ही पढ़िए। मुझे नोट्स से पढ़ना वाकई में बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैं बस नोट्स बना के ही पढ़ती हूँ। और ज्योग्राफी का स्लॉट करने के बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज मैंने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, लंच स्किप कर देती हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद भी ना आलस सा फील होता है। बस और ब्रेकफास्ट में है पोहे और चाय। और उसके बाद में आज मैंने हिंदी का टेस्ट दिया था, इसलिए मैंने आज रिविजन नहीं की। और एनसीईआरटी जो है वो मैं फ़ोन से पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। इसलिए बहाने बनाने से अच्छा होता है ना कि हम उसका कोई और सप्लीमेंट यूज़ कर ले। मैंने बस गूगल से पीडीएफ डाउनलोड की और मैं बस वही पढ़ती हूँ, और कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। आज आपने थंबनेल देखा ही होगा कि जब भी कोई भी आपको इंसल्ट करे तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपको बोलना उसे कुछ भी नहीं है, जितना आप बोलोगे ना तो उससे कहीं गुना ज्यादा वो आपको और फिर से सामने से सुनाएगा। तो बेहतर यही है कि वहां पे आप चुप हो जाइए, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे आपको चुप होना है पर अपने सामने नहीं। अपने सामने आप अपने आप को मिरर में देखिए और अपने आप से कहिए, अपने आप से आप वादा कीजिए कि आपको उसको ऐसा जवाब देना है कि वो बोल के नहीं देना है, कुछ बन के दिखाना। जिस भी चीज के लिए आप वो आपके इंसल्ट कर रहा ना, सामने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे आपका रिलेटिव, चाहे घर का इंसान हो, चाहे आस पड़ोस का हो, कोई ना कोई तो होता ही है। देखिए, हर किसी इंसान की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई बंदा या बंदी जरूर होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा डिमोटिवेट फील करवाते हैं और हमेशा हमेशा अपने इंसल्ट करते हैं। अगर किसी इंसान की लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है ना, तो वाकई में वो इंसान लकी है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? देखिए, आपकी किसी भी चीज के लिए कोई भी इंसान आपको इंसल्ट करवा रहा है ना, चाहे वो आपकी पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपकी जॉब के लिए हो, चाहे आपकी बॉडी के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, आप उस चीज को बदलिए। देखिए, उसके लिए मत बदलिए पर अपने लिए जरूर बदलिए कि फ्यूचर में कोई भी आपकी इंसल्ट ना करे किसी भी चीज के लिए। और जिसने की है ना, वो सामने से आके आपको सॉरी बोले। क्या आप वाकई में ऐसा चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं ना, तो आपको मेहनत करनी होगी
और ये बात मैं स्पेशली लड़कियों के लिए और हाउसवाइफ के लिए बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी ज़िंदगी बदले, एक ही जगह सिमट के नहीं रह जाए और बार बार कोई भी आपके इंसल्ट नहीं करे और जो भी बोले आपसे इज्जत से बात करे, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा और अपने लिए कुछ करना होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि डेली दिन के 6 घंटे कम से कम अपने लिए तो जरूर निकालें और उन 6 घंटों में आप मेहनत करिए। जिस भी चीज़ में आपको मेहनत करनी है वो मेहनत करिए आप, जिस भी फील्ड में मेहनत करनी है वहाँ पे करिए, पर करिए एकदम ईमानदारी से। चाहे तो वो कोई जॉब हो, चाहे आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंज करना है, चाहे आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, किसी भी चीज़ में हो, बस उसमें आप मेहनत करिए और देखिएगा कुछ महीनों बाद, 3 या 4 महीनों के बाद भी आप अपने आप में फर्क देखना फील करोगे और आपको वाकई में अच्छा लगेगा कि हाँ ये जो 24 आवर्स है यहाँ से मैंने अपने लिए 6 घंटे निकाले हैं। देखिए एक दिन आप एक काम करिए, आप एक कागज और पेन लेके बैठे और ईमानदारी से अपने 24 घंटों को लिखिए कि कहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कहाँ पे आपका जो टाइम है वो अपने लिए आप बेस्ट कर रहे हो। उसमें आपको पता चलेगा कि 24 आवर्स में से कितना टाइम आपने अपने आप को दिया है। और उस अपने आप में ये नहीं कि फोन यूज किया आराम किया, नहीं वो चीज नहीं, किस चीज में आपने आप को बेहतर बनाने की आपने कोशिश की है वो आप जरूर लिखिए, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा और वहां से आप टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए 6 घंटे। और 6 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि जिस दिन आप कुछ बन जाओगे तो उस इंसान की हालत क्या होगी जिसने भी आपकी इंसल्ट की है। एक दिन एक बार आप जरूर इमेजिन ये करिए। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। सो आप अपने लिए जरूर मेहनत करिए। देखिए आप सबके लिए मेहनत करते तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। सो आज का मेरा यही कहना था और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए। और आपकी जो भी क्यूरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज आप अपने लिए जरूर मेहनत करें, मैं बार बार ये कर रही हूँ, अपने लिए जरूर मेहनत करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।